हेलो सर, आप ब्रिजेश प्रजापति जी बात कर रहे हैं? कौन सर, मैं महाकालेश्वर नगरी उज्जैन से बात कर रही हूँ। बोलिए सर, हमारी संस्था द्वारा एक छोटा सा सेवा कार्य प्रारंभ किया गया है। मैं महाकालेश्वर जी का प्रतिपादित बता दें जो कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। आपको किसका काम है? सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। आपने किसका नाम बोला, किसका काम है आपको? सर ये दिव्येश प्रजापति आपका नाम है? कौन? दिव्येश प्रजापति। रॉन्ग नंबर है मैडम, मेरा नाम है तेजस चौकसी। अच्छा अच्छा, तो सर वो बात वो क्या है कि गलत नाम लिखा गया हुआ नंबर आपका है। ऐसे थोड़ी होता है सर, वो क्या है कि बहुत सारे नाम है तो गलती से ये नंबर आ गया होगा, ये नाम लिखा गया होगा। आप कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं महाकालेश्वर नगरी उज्जैन से बात कर रही हूँ। मंदिर से? हाँ सर, मंदिर के बाहर से। मतलब आपका प्राइवेट प्राइवेट काम है? हमारी एक संस्था है जो महाकालेश्वर का जो प्रसाद है वो आपके घर तक पहुँचाती है कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से। मुफ्त में भेजते हो? यस सर। मुफ्त में भेजते हो? नहीं सर, इसका है कि सेवा को शुल्क रहता है 551 रुपए का, जो पूरे भारत में सर ये पहुँचाई जा रही है। और सर भारत के भी श्रद्धालु ये प्रसाद मतलब खुद बुक करवा रहे हैं। नाम नाम और उनके घर तक। हेलो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी संस्था का? हाँ सर, हमारी संस्था ये जो है ये बिल्कुल रजिस्टर्ड है। कहाँ पे करवाया रजिस्टर आपने? हेलो हेलो, हाँ सर, जी से बात कर रहा हूँ, बताएं सर। बोलिए। हाँ सर, हमारा जो प्रसाद है आप लेना चाहेंगे? बराबर जी, जो हमारा महाकालेश्वर का प्रसाद है हाँ, वो आप लेना चाहेंगे? आपको मंडी आपको मंडी की तरफ से पूरी ऑर्गेनाइजिंग करने का सर्टिफिकेट दिया है महाकालेश्वर में से? सर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसकी तरफ से हमारा टाइप है सर वहाँ से। मैं क्या पूछता हूँ आपको जी, महाकालेश्वर मंदिर में से आपने परमिशन लिया हुआ है? आप बोलते हो हम महाकालेश्वर प्रसाद बेचते हैं के घर तक पहुंचता क्या है, उसका आपने परमिशन लिया है? सर हर जगह पहुंच रहा है सर वहाँ पे। मेरा सवाल क्या है आपसे? परमिशन है आपके पास महाकालेश्वर की मंदिर की ट्रस्ट की? तो महाकाल ट्रस्ट का तो प्रसाद है सर वो। हाँ, महाकालेश्वर का ही ट्रस्ट का प्रसाद है सर। आपकी तो संस्था प्राइवेट है ना, मतलब? जी जी जी। तो आपकी प्राइवेट संस्था ने महाकालेश्वर प्रशासन से परमिशन लिया है? परमिशन लिया है सर। हाँ, परमिशन लिया महाकाल से कस्टमर। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। अभी आप तीसरे आदमी बोल रहे हो ना जी? सर बताइए। आपने महाकालेश्वर प्रशासन से, मंदिर का प्रशासन से परमिशन लिया हुआ है? जी बिल्कुल लिया हुआ है सर। किसके? बिना मंदिर की समिति के परमिशन कैसे प्रसाद आ सकता सर बाहर? आपका शुभ नाम? एक्चुअली सर होता क्या है कि मंदिर भी ऑनलाइन प्रसाद देता है थ्रू एनआईसी की वेबसाइट के थ्रू। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम साकेत साहू है सर। क्या? साकेत साहू। अच्छा, ये मेरा नंबर है जिस पे आपने फोन किया है, मेरा व्हाट्सएप उसी पे ही है। आप उस पे परमिशन का लेटर मेरे को भेजो, फिर आपका आपकी जो ट्रस्ट है ट्रस्ट का सर्टिफिकेट भेजो, फिर मैं आगे बात कर सकता हूँ। क्योंकि आप कितने साल से हो महाकाल में? सही है सर, 4 साल हो गया वहाँ पे। आप किसको जानते हो महाकाल के सबसे प्रसिद्ध आदमी, किसको जानते हो महाकाल से? सबको जानता हूँ सर, जो समिति में महाकाल की समिति में है तो सबको जानता हूँ। श्री राज्य मंत्री श्री कुलदीप जी पांडे, श्री गोविंद शर्मा जी, उसके ऊपर कमिटी के ऊपर प्रशासन में जी सर, कमिटी के ऊपर भी प्रशासन है ना? जी जी जी।
महाकाल का प्रसिद्ध आदमी कौन है, महाकाल मंदिर का सेवा किया, निस्वार्थ सेवा किया, वो आदमी को आप पहचानते हो? नहीं नहीं सर, मैं नहीं पहचानता हूँ। बराबर, महेश गुरु जी को पहचानते हो आप? जी सर। महेश गुरु जी को पहचानते हो? महेश जी, महेश गुरु जी को बिल्कुल बिल्कुल, महेश गुरु जी को बिल्कुल पहचानता हूँ सर मैं। कैसे पहचानते हो? पर्सनली भी मुलाकात हुई है मेरी। बराबर जी, एक्चुअली सर महाकाल मंदिर के बगल में माधव सेवा न्यास, माधव सेवा न्यास, माधव सेवा न्यास। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। माधव सेवा न्यास है, उसमें महेश गुरु जी आते रहते सर वहाँ के। हेलो, हाँ वहाँ के क्या मानव, हेलो